चोर! ये गलती मत करना। बोला अपने भाई को फोन करके। जय, बोल रहा हूं भाई। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। बोलो कितने? भाई अकेला है वो। ये क्या था भाई? जानवर है, जानवर नोच रहा है, पागलों की तरह काट रहा है लोगों को। तू जहां पर भी है उसे अपने पास वाली पार्टी ऑफिस तक पहुंचा दे। उसकी चिल्लाहट को चीख में बदल दे। कोशिश करता हूं भाई। जाओ।
वो देखे। अरे क्या देखे राजपूत साहब, ना कोई कांड हुआ है ना एफआईआर हुआ है। अरे कुछ होने तो दो, फिर ना फायदा होगा। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो नो एंट्री और सिग्नल के बाद खड़े रहना सीखो। पहले खड़े रहोगे तो सिर्फ हाथ बनते रहोगे। देखिए, मेरा भाई कोई गुंडा नहीं है, बल्कि उसने तो फौज में रह के देश की सेवा की है। मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। मैडम, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गुनाह दाखिल हो चुके हैं। अगर अब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। मेरी सिर्फ इतनी सलाह है आपको कि अच्छे से अच्छा वकील करिए आप। जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए, वरना मंडे तक इन्हें यही रहना पड़ेगा। सॉरी मैडम। ओ तो तू है वो, छोड़ इसको। सर इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक साहब। जी सर। यस सर। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है। अब आपकी नौकरी जाएगी नहीं, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप। आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस। नहीं। के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो, उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रोंग देते हो। शरीफ आदमी को बुजदिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर जाग गया तो। शीर फाड़ देगा।
लेकिन आज से वाकई आप मेरी मदर लॉ बन गई हो। सुना है माँ बच गई है? वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आँखों से और कई मौतें देखनी है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कविता पाटिल। और सुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसे टक्कर मारी गई है। समझी? अब क्या करने जा रहे हो जय? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम अब आर्मी में नहीं हो। ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे, कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। आज माँ है, कल रेहान, फिर कबीर, फिर मैं। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा जय? बस करो ये सब। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है। माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। खत्म कर दो इस लड़ाई को यहीं पे जय, चाहे तुम्हें माफी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। प्लीज, मेरी खातिर। इसके तेवर देखकर तो नहीं लगता है कि ये मुझसे माफी मांगने आया है। सिंह साहब, हम यहां बात को खत्म करने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी आंखें जरा कमजोर है, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आ गया और थोड़ा आगे, बस बस। अब अपनी दाएं तरफ जाओ। और जाओ। बस बस रुक जाओ, थोड़ा आगे। बस अब रुक जाओ। देखो, कुत्ते के घेरे में खड़ा कर दिया मैंने इसे। अब तो तुम खुश हो? नहीं पापा, जिस तरह सबके सामने इसने आपकी दामाद की बेइज्जती की है, उसी तरह सबके सामने इसकी बेइज्जती होनी चाहिए। चलो ठीक है, तुम भी अपनी भड़ास निकाल लो, जाओ। मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। एक पत्रकार ने हमारे खिलाफ बहुत गलत लिखा, बहुत गलत। हमने उसके हाथ कटवा दिए। एक बेवकूफ जज कानूनी जुबान से हमें डराने की कोशिश कर रहा था, हमने उसकी जुबान कटवा दी। जब मैं डिफेंस मिनिस्टर था तब हमारी कुर्सी को खतरा था, तो हमने आतंकवादी हमले करवाए। काउंटर अटैक में हमारे कुछ जवान भी शहीद हो गए। फिर हमने देशभक्ति का नारा जोर शोर से लगाया, कुर्सी भी बच गई बल्कि प्रमोशन भी हुआ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक अपाहिज लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने मेरी बेटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अफसोस, उसे भी हमें उसकी बहन के पास भेजना पड़ा। जय, I said release him! Choro said!
दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। तू जैसे कमीने लोगों की हरकतों की वजह से हम जैसे आम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, जिसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन इस बार तू गलत जगह गिर गया। आज के बाद अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना, तो मेरा भाई तुझे कुत्ते की जगह खड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती।